करते हैं आपका। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, मैं कीर्ति लेकर हाजिर हूं उत्तर प्रदेश की कुछ खास खबरें। 2022 के विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस पूरी तरह से एक्शन मोड में नजर आ रही है। आपको बता दें कि कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू ने बैठक की, जिसमें बड़ी संख्या में कांग्रेस के पूर्व विधायक मौजूद रहे। वहीं यूपी कांग्रेस सेवा दल की 2 दिवसीय प्रदेश कार्यकारिणी की बैठक भी शुरू हो चुकी है। कांग्रेस सेवा दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष लालजी देसाई की अगुवाई में ये बैठक होगी। कि अभी तक जो संगठन में काम हुए हैं और कैसे संगठन का काम करना है, उन मुद्दों पर चर्चा, खासकर आने वाला जो 2022 का चुनाव, उसमें हम सब लोग क्या रणनीति बनाएं, कैसे आगे क्या करना है, और चुनाव में बेहतर प्रदर्शन, और खासकर आदरणीय प्रियंका गांधी के नेतृत्व में जो क्षेत्रीय समस्याएं हैं, जिन मुद्दों को लेकर कांग्रेस गाँव, गरीब, किसान, नौजवान, कानून व्यवस्था, बेरोजगारी और खासकर कोरोना मिसमैनेजमेंट, जिस तरह हुआ कोरोना के दौरान लोग ऑक्सीजन के अभाव में दम तोड़ रहे हैं, इन विषय और मुद्दों को लेकर हम जनता के बीच में जाएंगे, उनसे चर्चा करेंगे, सरकार की विफलताओं को जन जन तक पहुंचाएंगे और निश्चित रूप से 2022 में उत्तर प्रदेश के जनता का आशा और विश्वास और उनका भरोसा। ताजनगरी आगरा के दौरे पर आए ओलंपियन साइना नेहवाल ने मंगलवार सुबह ताजमहल का दीदार किया। वो सुबह 8 बजे ताजमहल पहुंची और 1.5 घंटे तक स्मारक में रही। वीडियो प्लेटफॉर्म सेंट्रल टैंक समेत मुख्य मकबरे पर उन्होंने दीदार ए ताज की यादें संजोने को फोटोग्राफी की। आपको बता दें कि साइना नेहवाल अपने पति पारुपल्ली कश्यप और मित्रों के साथ रविवार को आगरा पहुंची थी। उस दिन उत्तर प्रदेश में साप्ताहिक बंदी लागू होने की वजह से स्मारक बंद थे और वो कोई स्मारक नहीं देख सके। होटल की टेरेस से ही उन्होंने ताजमहल का दीदार किया। सोमवार सुबह वो वृंदावन चली गई थी। वहां से लौटते वक्त सिकंदरा स्थित अकबर के मकबरे का दीदार कर उन्होंने वहां पर ठहरी। मंगलवार सुबह वो अपने पति और मित्रों के साथ ताजमहल पहुंची। साइना और पारुपल्ली कश्यप फोरकोर्ट से ही ताजमहल के सौंदर्य पर मुग्ध नजर आए। दोनों ने स्मारक में जगह जगह साथ में फोटोग्राफी की। बैडमिंटन खिलाड़ी साइना नेहवाल और पारुपल्ली कश्यप को ताजमहल में प्रशंसकों ने पहचान लिया और उनके साथ फोटो भी खिंचवाई। ताजनगरी आगरा के थाना एतमादुल्ला क्षेत्र में एक तेंदुए पहुंच गया और उसके अचानक एक युवक पर हमला भी कर दिया। इस हमले से युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। स्थानीय लोगों ने घटना की जानकारी पुलिस और वन विभाग को दी, जिसके बाद सूचना पर पहुंची पुलिस ने घायल युवक को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया। साथ ही कुछ समय बाद वन विभाग की टीम भी घटनास्थल पर पहुंच गई और तेंदुए को पकड़ने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू कर दिया गया। बुलंदशहर के नरसेना थाना क्षेत्र के गांव निजामपुर बांगर में ग्रामीणों द्वारा पृथ्वीराज चौहान व महाराणा प्रताप का बोर्ड लगाने पर बवाल मच गया। वहीं दूसरे पक्ष के लोगों ने गांव में बोर्ड लगाने का विरोध किया तो करनी सेना के कार्यकर्ताओं ने नरसेना थाने पर प्रदर्शन किया। अलीगढ़ के इगलास थाना क्षेत्र में एक तेज रफ्तार बाइक और स्कूटी में जोरदार टक्कर हो गई। इस हादसे में एक युवक की मौके पर ही मौत हो गई जबकि एक युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। स्थानीय लोगों ने मामले की जानकारी पुलिस को दी, जिसके बाद सूचना पर पहुंची पुलिस ने युवक को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया। साथ ही युवक के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। ये ब्रॉडेड केस आया है अभी। आईडी कार्ड उसके देखने से पता लगा कि शायद मथुरा का रहने वाला है और जिससे टक्कर हुई है उसकी वो भी आया हुआ है, वो भी है, उसके भी चोटें हैं थोड़ी सी। तो आमने सामने की टक्कर है दोनों की, तो वो तो ब्रॉड डेड है, एक का जो भी है उसे उपचार। बुलंदशहर के थाना औरंगाबाद का वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक संतोष कुमार सिंह ने वार्षिक निरीक्षण किया। इस दौरान औरंगाबाद थाना कार्यालय के कोविड हेल्प डेस्क, महिला हेल्प डेस्क और बंदीगृह अभिलेख, शस्त्रागार, साफ सफाई आदि को चेक किया गया। वहीं एसएसपी ने थाना प्रभारी को अभिलेख पूर्ण करने, हिस्ट्री शीटर अपराधियों की निगरानी रखने व थाना परिसर को स्वच्छ रखने, साथ ही महिला संबंधी अपराधों पर रोकथाम आदि संबंधी आवश्यक दिशा निर्देश दिए। उत्तर प्रदेश में हो रही बारिश की वजह से अंबेडकर नगर जिले से होकर गुजरने वाली घाघरा नदी का जलस्तर
समय से पहले तेजी से बढ़ रहा है। नदी के करीब व कछार के गांव के लोग दहशत के माहौल में हैं। वहीं घाघरा नदी के बढ़ते जलस्तर को देखते हुए प्रशासन अलर्ट हो गया है, साथ ही बाढ़ चौकियों को भी अलर्ट कर दिया गया है। बता दें कि लगातार हो रही बारिश व नेपाल से पानी छोड़े जाने से अचानक घाघरा नदी का जलस्तर तेजी से बढ़ रहा है। घाघरा नदी का जलस्तर अक्सर जुलाई में बढ़ता था, लेकिन इस बार समय से पहले जो स्थिति है, इससे लगता है कि इस बार घाघरा अपना भयानक रूप दिखाएगी। प्रशासन पूरी तरह मुस्तैद है, हमारी 9 बाढ़ चौकियां सक्रिय हैं, तहसील में कंट्रोल रूम सक्रिय कर दिया गया है। हम लोग लगातार ग्राम प्रधानों के संपर्क में हैं, जैसी भी स्थिति है उसको तुरंत हम लोग टैकल करने के लिए तैयार हैं। कुछ बढ़ते जल स्तर के लिए जो है उनको लगातार उनसे हम लोग संपर्क बनाए हुए हैं और उनको कह रहे हैं कि वो निचले इलाकों से अपने ऊपर इलाके जहाँ पर हैं वहाँ पर वो। और यस, एक भीषण सड़क हादसे की खबर सामने आई है। इस हादसे में 2 लोगों की मौत हो गई जबकि 3 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। स्थानीय लोगों ने घटना की जानकारी तत्काल पुलिस को दी, जिसके बाद सूचना पर पहुंची पुलिस ने शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। साथ ही सभी घायलों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहाँ डॉक्टरों ने उनकी हालत गंभीर देखते हुए सभी को सिफई रेफर कर दिया। इसी दौरान एसपी कालीचरण की दरिया दिली ने सभी का दिल जीत लिया। मार्ग दुर्घटना में घायल हुई 6 वर्ष की मासूम रिया का दुर्घटना से पैर टूट गया था। अस्पताल में वो रो रही थी, इस पर चौकी इंचार्ज ने उसे गोद में उठाया और गले से लगा लिया। चौकी इंचार्ज की इस दरियादिली को देखकर वहां पर मौजूद चिकित्सकों ने उनके जज्बे की सराहना की। ग्राम भागपुर जनकपुर के बीच में नेशनल हाईवे पर एक एक्सीडेंट हो गया है, जिसमें कई लोग घायल हैं, काफी बड़ा एक्सीडेंट हुआ है। तो मौके पर मैं पहुंचा, कुछ अधिकारियों को अवगत कराया, तो वहाँ देखा कि 4 लोग बहुत बुरी स्थिति से घायल पड़े हुए हैं, बच्ची इसका पैर टूट गया है, वो भी बहुत वहाँ रोने लग रही है। मैंने अपनी निजी गाड़ी में भी 2 लोगों को बिठाला, 3 लोगों को सरकारी गाड़ी में बिठाला, उसके बाद मैंने जिला अस्पताल औरैया ले गया। वहाँ पर देखा कि उस बच्ची के साथ उसके कोई परिजन नहीं थे, वो बहुत भयभीत थी, डरी हुई थी, और उसको मैंने अपने गोद में लिया। उसके पैर में फ्रैक्चर था तो उसे बहुत दर्द हो रहा था, जब मैंने उसको अपने कंधों पे लिया तो फिर वो मुझे नहीं छोड़ी, उसे अपने परिजनों का एहसास मुझसे हुआ। उसके बाद मैंने घायलों को उचित चिकित्सीय सुविधा दिलाई, रेफर कराया बच्ची को भी। मामला जनपद बदायूं के थाना उसहै थाना क्षेत्र का है, जहां पुलिस पूरे एक्शन में नजर आती है और आम जनता पर अपना पूरा जोर दिखाती नजर आ रही। सूबे के मुखिया योगी आदित्यनाथ जी ने साफ कह दिया कि अगर कोई भी अधिकारी लापरवाही करता है तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाए, लेकिन बदायूं में मामला उल्टा हो गया। डायल 112 पर तैनात पुलिसकर्मियों की खाट पर बिना मास्क जनता इकट्ठी कर आराम फरमाते वीडियो वायरल हुआ था, लेकिन उन पर 4 दिन बीत जाने के बाद भी कोई कार्रवाई नहीं हुई। आपको बता दें कि थाना उसहैत पर डायल 112 के पुलिसकर्मी ग्राम रिजौला में हर रोज इसी तरह आराम फरमाते हुए नजर आते हैं और इसका वीडियो भी लगातार वायरल हो रहा है। फिरोजाबाद के थाना एका क्षेत्र में एक नाबालिग कलयुगी भाई ने अपने ही सगे भाई की धारदार हथियार से गला रेतकर हत्या कर दी। वहीं आरोपी ने सूचना देकर अन्य लोगों के खिलाफ तहरीर दे दी है। पुलिस ने इस मामले में जानकारी देते हुए बताया कि आरोपी ने पैसे के लेन देन में युवक की हत्या कर दी थी। फिलहाल पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और मामले की जाँच पड़ताल भी शुरू कर दी है। थाना एका में नगला गोकुल गाँव में 13/14 जून 2021 की रात में राजकुमार नामक एक 28 वर्षीय युवक की उसके खेत पर डेड बॉडी मिली थी, जिस पर धारदार हथियार के प्रहार थे। पीएम कराया गया, उसमें स्ट्रैंगुलेशन भी आया और गले पर भी उसके धारदार हथियार के निशान थे। काफ़ी खोजबीन की गई, क्षेत्राधिकारी जसाना के नेतृत्व में सर्विलांस टीम, SOG फील्ड यूनिट सबके सम्मिलित प्रयास से इसका खुलासा हुआ और सनसनीखेज खुलासा ये हुआ कि उत्तर प्रदेश की खास खबरों में फिलहाल के लिए बस इतना ही। फिर हाजिर होंगे, बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए प्राइम TV।